आज बताऊंगा कि धनी कैश को आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर सर्च बटन में क्लिक करके जस्ट सर्च करना है रेंट। उसके बाद जो है पहले वाला जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा रेंट पेमेंट, सो इसमें बेसिकली सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका अकाउंट डिटेल्स देना होगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहां पर डाल देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को कितना पेमेंट करना चाहते हैं वो जस्ट पेमेंट टाइप कर दीजिए, जितना भी आपके पास बैलेंस है धनी कैश में। सो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोगों को आपका जो धनी डेबिट कार्ड का पूरा नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी सब कुछ डालने के बाद जस्ट पे में क्लिक करना है एंड कुछ देर के लिए वेट करना है ओटीपी के लिए, क्योंकि अभी ओटीपी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो टाइम लग रहा है आने में। सो ओटीपी देने के बाद आप लोग बेसिकली सबमिट कर दीजिए। देन कुछ ही देर के अंदर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में फुल पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपने अभी तक अपना धनी पे अकाउंट ओपन नहीं किया तो ज़रूर से ओपन कर लीजिए, जिससे कि अभी धनी पे का बग भी चल रहा है, जिससे कि आप लोगों को 200 का प्रॉफिट हो जाएगा एंड पर रेफर आप लोगों को 100 मिल जाता है, तो वो डायरेक्टली आप लोग बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसका ट्रिक भी मैंने बता दिया है, सो ज़रूर से एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए।